हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं पंकज द्विवेदी, आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फिनिटी अकेडमी सुंदरनगर रीवा में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संस्थान द्वारा सैनिक और नवोदय की तैयारी है एक सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के अंडर में आज मैं आपके सामने कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के टेक्निक्स को लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सैनिक और नवोदय के एग्जाम में बोडा मास सिंप्लीफिकेशन जैसी जो प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे सॉल्व करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उसको आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम जो जानते हैं कि सिर्फ चार ही ऑपरेटर्स होते हैं मैथ्स में। एक होता है एडिशन, जिसको हम इस साइन के थ्रू जानते हैं। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको कुछ इस तरीके से जानते हैं। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, जिसका साइन ये है। चौथा है डिवीजन, जिसको इस तरीके से स्लैश दो तरीके से हम जानते हैं। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जो पूरी मैथमेटिक्स है उस पूरी मैथमेटिक्स में सिर्फ ये चार ही प्रोसेस होती हैं। उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है कि अलग अलग हो, लेकिन जो ऑपरेशन होगा इन्हीं चार चीजों पर डिपेंडेंट होता है। तो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने का जो सबसे बेसिक स्टेप है, अपने को समझना पड़ेगा कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। तो इस ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं। तो आज इस पार्ट के थ्रू हम अभी सिर्फ डी मास के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बोर्ड मास के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करना है। अब जब एडिशन की बात आती है तो अगर आपके सामने 2+3 लिख दिया जाए, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं कि इसका 2+3 का जो सम होगा वो क्या होता है, 5 होता है। तो जो एडिशन है, एडिशन मतलब दो नंबर को ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। और जो ये नंबर्स होती हैं, जो दो नंबर आपको जो ऐड करना है, तो ये दो नंबर आपस में क्या कहलाते हैं, इनको इंडिविजुअली एडेंड बोलते हैं। जो इनका सम, जो इनका जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। जो 5 है, 5 2+3 का जो सम है मतलब रिजल्ट, रिजल्ट क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो जब पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ने की बात आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अपन उसको आराम से ऐड कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा लिख दिया जाए -2 -3, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि -2 -3 का रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो -2 और -3 का रिजल्ट, आप इसको समझने के लिए कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग बेसिक क्लास से सिर्फ पॉजिटिव नंबर को जोड़ना सीखते हैं, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर कैसे आपस में ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, उनका डिविजन का क्या प्रोसीजर है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एडिशन का मतलब जो है, अगर सेम साइन होता है, सेम साइन का मतलब होता है एडिशन। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2+3 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है कि ये इसके सामने कोई साइन नहीं लगा है। 2 के सामने कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। एज वेल यहाँ पे 3 के सामने यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 2 और 3 जो लिखा हुआ है ये दोनों ही क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अभी नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर या इसको पॉजिटिव नंबर अपन अभी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे -2 और इसको अगर ऐसे लिखते हैं -2 और -3, यहाँ भी क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। लेकिन इसका जो है ये जो नंबर है, कैसे नंबर है, दोनों आपस में निगेटिव इंटीजर या निगेटिव नंबर अभी अपन इसको बोल सकते हैं। तो एडिशन पॉसिबल कब है, एडिशन पॉसिबल तब है जब दोनों नंबर का साइन सेम हो।
मतलब यह अगर प्लस प्लस हो, प्लस और प्लस, तब भी ये क्या होगा आपस में सम, मतलब इनका इनको ऐड करना पड़ेगा। ये तो माइनस और माइनस हो तब भी इनको क्या करना पड़ेगा आपस में ऐड करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है -5 और -3, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया -8। आप इसको अगर प्रैक्टिकली समझे तो आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने किसी से 5 रुपया कर्जा लिया, 3 रुपया फिर से कर्जा ले लिया, मतलब आपने जो कर्जा लिया, डेप्ट जो लिया, वो कितने रुपए लिया, 8 रुपए लिया, क्योंकि आपने उसको डेप्ट लिया, इसलिए इसके सामने क्या आ गई है, -साइन आ गया। इसी को अगर आप इस प्रकार समझिए कि 5 + 3, इसका क्या हो गया आंसर, 8 हो गया। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा इसमें, इसलिए क्या मान लेते हैं, प्लस अपने आप इसको मान लिया जाता है ना। तो अब और कुछ एग्जाम्पल ले दीजिए, जैसे -3 है और -4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -7, और 3 + 4 है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, +7। तो जब भी कोई साइन सामने नहीं होगी तो उसको ऑटोमेटिक हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान लेते हैं, और जब कोई साइन लगा हुआ है, जैसे नेगेटिव साइन लगा हुआ, तो अपने आप पहचान में आ जाएगा कि एक नेगेटिव नंबर है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जब दो पॉजिटिव साइन सेम साइन हो, सेम साइन होगा मतलब उसको ऐड करना है। जैसे कि अगर ऐसा लिख देते हैं 5 - 3, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्या करेंगे, सीधे 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपके सामने लिखा है -5 + 3, तब आपको सोचना पड़ता है कि -5 और +3 क्या होगा। तो बस आप साइन पे, आप इसको आराम से एकदम देखना है कि साइन कैसी है, और जो साइन के साथ जो नंबर है वो कैसा है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो 5 है 5 निगेटिव है, और जो 3 है वो कैसा है, पॉजिटिव है। जब साइन सेम होता है तो एडिशन होता है, और जब साइन डिफरेंट होता है, अलग अलग साइन जब होती है तो क्या हो जाता है, वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 5। तो आप देखेंगे 3 में 5 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, क्योंकि 5 एक बड़ी बड़ी नंबर है और 3 क्या है, छोटा नंबर है। तो हमको बस इतना देखना है कि यहाँ पे जो निगेटिव का साइन है, जो निगेटिव साइन के साथ जो नंबर है, वो नंबर कैसा बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे कि 5 में 3 सेपरेट करेंगे, आएगा कितना, 2 आएगा। लेकिन जो साइन है, साइन हमेशा किसकी आती है, बड़ी नंबर की आती है। इसको और इस तरीके समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा था 5 में 3 आपने सेपरेट किया, क्या आया है, 2 आया है। क्यों, क्योंकि जो निगेटिव साइन के साथ जो नंबर था वो कैसा नंबर था, छोटा था, और जो पॉजिटिव नंबर था वो नंबर क्या था, बड़ा नंबर था। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो 5 है 5 कैसा था, पॉजिटिव है, इसलिए के सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन पॉजिटिव नंबर के पहले हम साइन नहीं लगाते हैं, इसलिए आप इसको सिंपली बिना साइन के आप लिख देंगे तो भी ये अंडरस्टूड होता है कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसी इसको थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल के साथ आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एकदम बहुत आसानी के साथ अब इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है साइन का। अगर साइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब इसको आराम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नंबर मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, जैसे कि -2 - 3 + 5। अगर इस प्रकार से कोई नंबर दे दी जाए तो आपको करना क्या है, सेम नंबर के जो सेम नंबर है, सेम साइन के साथ जो है, उनको पकड़िए पहले। तो -2 है और -3 है, ये क्या हो गया, दोनों का साइन कैसा है, सेम है, और यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट साइन है, क्योंकि यहाँ का साइन पॉजिटिव है, तो आप उसको भी छोड़ दीजिए। तो जब आपका साइन सेम हो जाएगा, जैसे -2 - 3 है, तो आपने देखा साइन सेम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, भले इसका जो सम आया है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे मतलब हमको नहीं है। तो आपने -2 देखा, -3 देखा, मतलब इसका जो सम होगा वो कैसा होगा, -5, क्योंकि साइन दोनों का सेम, इसलिए ऐड हुआ है, ऐड हुआ है। तो ये दोनों कैसी नंबर थी, निगेटिव इंटीजर्स थे, इसलिए इसके सामने निगेटिव साइन आ गया है। इसके आगे जो है +5, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ये क्या है, प्लस का साइन है, मतलब दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो देख सकते हैं कि -5 और +5, मतलब मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इनका जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0 है। कुछ और एग्जांपल्स से इसको और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके सामने लिख दिया जाए 5 - 3
7 - 8, मान लीजिए ऐसी एक संख्या आपके सामने लिख दी जाती है, तब आपको क्या करना है, जिनका साइन सेम है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, ये नंबर पॉजिटिव है ये नंबर पॉजिटिव है, ऐसे ही ये नंबर निगेटिव है ये नंबर निगेटिव है, तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सम ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर, दोनों को पहले आप सम कर लीजिए, तो 5 और 7 का जो सम होगा वो क्या होगा 12 होगा, और 3 और 8 का जो सम होगा वो क्या होगा 11 होगा, लेकिन ये दोनों कैसी हैं, ये तो पॉजिटिव इंटीजर थी लेकिन ये क्या है 3 और 8 निगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि ये 12 जो है पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो 12 में अगर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ रही बस में, चलिए इसी को थोड़ा और कुछ एग्जांपल और लेके समझते हैं, जैसे कि 3 + 7 - 9 + 8 - 12, कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें क्या देख पा रहे हैं अपन, जैसे 3 यहाँ पे भी कोई साइन नहीं, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, 3, 7 और 8 ये जो तीन नंबर है तीनों कैसी हैं पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, तीनों का साइन सेम है इसे तीनों को पहले ऐड करेंगे, तो 3 + 7 क्या हो जाएगा 10 और 10 + 8 क्या हो जाएगा 18। अब देखिए निगेटिव इंटीजर को पकड़ते हैं, तो -9 और -12 है, तो -9 और -12 कितना हो जाएगा -21। अब यहाँ ये 18 जो ये पॉजिटिव है ये क्या है निगेटिव है, जब पॉजिटिव निगेटिव मतलब यहाँ पे साइन डिफरेंट डिफरेंट अगर आ रही है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपस में क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम ये देख सकते हैं कि 18 जो है ये इस नंबर के जो सामने साइन है इसके जो सामने साइन वो क्या है निगेटिव है, लेकिन नंबर जो बड़ी कौन सी है 21 आपका लार्जर नंबर है, लेकिन उसके सामने साइन कौन सा है निगेटिव है, इसलिए जो रिजल्ट आता है रिजल्ट में साइन कैसा होगा हमेशा निगेटिव, जो नंबर बड़ी होगी उसी का साइन आना है। अब 21 में अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा 3, समझ पा रहे हैं बात को, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि 10 + 12 - 13 - 14 + 20 - 7, कुछ मान लीजिए थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो चाहे एग्जाम्पल कितना भी लेंदी हो चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी होगा आपको बस पकड़ना क्या है, इसमें जो कैचिंग पॉइंट है आपका साइन, जहां पे आपको सेम साइन मिलेगा आप उसको सीधे अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ऐड करेंगे, निगेटिव इंटीजर है तो भी ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट जो रिजल्ट आएगा दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन जो है डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 10 है 10 के सामने कोई भी साइन नहीं लगा, मतलब ये आपस ये क्या है एक्चुअली में पॉजिटिव इंटीजर है, तो 10 और 12 और 20 देखिए तीनों नंबर के सामने कैसा साइन लगा हुआ है पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर लेंगे तो 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 और 20 कितना हो जाएगा 42। इसी प्रकार से जो निगेटिव जिनके सामने साइन लगा है एक ये नंबर है तो 13 और 7 - 20 और 30 - 34 ये क्या हो जाएगा -34। अब देखिए यहाँ पर 42 जो है पॉजिटिव इंटीजर है और जो 34 है जो कैसी है निगेटिव इंटीजर है, मतलब कि जो 42 है 42 एक लार्जर नंबर है 34 एक छोटी नंबर है ना, तो जो साइन आएगा साइन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन पे हम जो है कोई भी उसके नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं लगाते हैं, तो आप इसको लगाइए चाहे नहीं लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अब बस 42 में 34 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8, 8 कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि अगर दो नंबर एक साथ हो जिनका साइन सेम हो या साइन डिफरेंट डिफरेंट हो तो उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया है। अब आगे देखेंगे कि दो नंबर का या तीन नंबर जो भी जैसी नंबर है पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और उनका डिवीजन कैसे करने वाले हैं।
तो आप सीखेंगे कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे दो नंबर का, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दो नंबर निगेटिव है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। ऐसे ही एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो उनका भी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसको थोड़ा एक आध एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। जैसे कि इस वाले को लिया जाए, जैसे दोनों नंबर का पॉजिटिव है मतलब टू अगर इंटू थ्री है तो आंसर क्या आएगा आपका, सिक्स आएगा। दोनों नंबर का निगेटिव है माइनस टू है और माइनस थ्री है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव सिक्स ही होगा। और मान लीजिए एक नंबर पॉजिटिव है ना, टू है पॉजिटिव और थ्री जो आपका निगेटिव है वो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स। अगर माइनस टू है और थ्री तो इसका भी जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। बस यही आपका जो बेसिक रूल है, इसी रूल से आप आगे का जो भी कैलकुलेशन है चाहे कितना भी लेंदी देगा आप उसको आराम से कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप इस दे दिया जाए टू इंटू माइनस थ्री इंटू टू इंटू माइनस फाइव, टू इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स इंटू टू इंटू माइनस फाइव। सिक्स इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव। अब देखिए ये भी निगेटिव इंटीजर है, ये भी निगेटिव इंटीजर है। तो हमने पढ़ा क्या है कि अगर दो नंबर आपस में निगेटिव होती हैं तो निगेटिव नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 12 5 जो कितना हो जाएगा, 60, और जो माइनस और माइनस साइन है वो आपस में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ माइनस साइन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे दो बार आ रहा है इसलिए पॉजिटिव हो रहा है, अगर थ्री टाइम्स आएगा तो निगेटिव होगा, फोर टाइम्स आएगा तो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइंस है तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जैसे कि अगर माइनस थ्री का फोर टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा, 81। 81 कैसा आएगा, देखो यहाँ पे कितने बार निगेटिव साइन आए हैं, फोर टाइम्स आया है। अगर यही थ्री टाइम्स होता तो इसका रिजल्ट क्या होता है, -27 होता। तो अपन इसको इस चीज से समझ सकते हैं कि जो निगेटिव साइन है अगर वो इवन नंबर ऑफ निगेटिव साइन है तो वो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, और ओड नंबर ऑफ निगेटिव साइन है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव ही होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको। अगर आपके सामने लिख दिया जाए 3 × −2 × −4 × 6 × −3, तो आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 − 2 क्या हो जाएगा, -6, फिर -4, 6 × −3, -6 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, +24 × 6 × −3। 24 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 × 4 = 24, 144 × −3। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये क्या है, निगेटिव इंटीजर। जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, निगेटिव आता है। -432 इज द आंसर। तो मल्टीप्लीकेशन जो है ये बहुत आसान प्रोसेस है, इसको आप आराम से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और अपने से कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन के बाद अब एक रूल और बचता है डिवीजन का, तो डिवीजन को भी समझ लेते हैं कैसे इसको करना है।
जो डिवीजन है, डिवीजन का भी प्रोसेस सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह है। जैसे कि अगर 20 में 5 का डिवीजन करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप इसको या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 5 4 20, या तो जैसे जो अपन बेसिक मेथड है ऐसे करते हैं कुछ, 5 4 20 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो ये तो आसान है। जैसे दूसरा है, अगर आपको 20 को अगर 5 से -5 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स -4। क्यों, 5 4 जा तो 20 हो ही जाएगा, लेकिन 5 कैसा है, निगेटिव है ना। इसको आप इस प्रकार से अगर देखिए तो आप देखेंगे 5 4 जा क्या आ जाएगा, और ये जो निगेटिव साइन एक बच रहा है ये क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर दोनों नंबर निगेटिव है, -20 पे -5 से अगर डिवाइड कराया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन पे भी देख रहे थे ना कि माइनस माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन था वो पॉजिटिव आ रहा था। डिवीजन पे भी सेम होता है, कैसे, -20 अपन -5 पर देगा तो माइनस माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा और 5 4 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर -20 जो आपका डिविडेंड है निगेटिव है और जो डिवीजर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका रिजल्ट भी क्या ऐसा आएगा, -4 ही आएगा। कैसे, -20 अपन अगर 5 लीजिएगा तो 5 4 20, और जो ये निगेटिव साइन है ये आ जाएगा आपका आंसर के साथ में। तो डिवीजन भी एकदम सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की तरह ही वर्क करता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में या तो आप सोल्व कर सकते हैं, या तो जो आपका कन्वेंशनल मेथड है इस प्रकार वाला, इस वाले मेथड से भी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब हम सीखेंगे डी मास रूल को, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। तो कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने का जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का अभी यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी उसमें ब्रैकेट्स वगैरह बताने पड़ेंगे आपको। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ डी मास सीखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कम्प्लीट बोर्ड मास के बारे में आएगा। वहाँ पर लगभग 10 12 क्वेश्चन अपन करेंगे तो और ज़्यादा वो क्लैरिफाई हो पाएगा। चलिए डी मास को सीखते हैं। तो अब डी मास को समझते हैं। जो डी है इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब जो होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, और एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ये एक सीक्वेंस है, मतलब अगर आपको नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर में ऑपरेशन किस प्रकार से करना है, दिस इज द सीक्वेंस टू सॉल्व द बोर्ड मास। अब इसमें क्या है कि पहला काम क्या है, आपको डिवीजन करना होगा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा काम है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। दो में कोई भी एक काम पहले आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। पहले आप या तो ऐड कर लीजिए, पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन में। तो इनको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल भी थ्रू। जैसे कि पहला जो एग्जाम्पल है, 2 / 2 (4 + 3 - 4), तो हम क्या देख रहे हैं, पहला काम क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो डिवीजन देखते हैं, दो नंबर के बीच जो डिवीजन होगा, डिवीजन कहाँ पे होगा, हो रहा है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो दो नंबर हैं आपस में कैसे क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। तो 2 / 2 अगर है तो इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 1। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, (4 + 3 - 4)। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन का कहीं भी साइन नहीं दिख रहा, अब क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो जो सेकंड प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन किन दो नंबर्स के बीच में हो रही है, इन दो नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब 4 और 1 का जो मल्टीप्लिकेशन जो का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जो नंबर रिमेनिंग है उनको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब देखिए अगला काम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। तो अब जो साइन आपके जो एक साथ आ रही है उनको पहले आप कर लीजिए। चाहे यहाँ पे 4 + 3 = 7, 7 - 4 कीजिए तो भी आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा।
या तो फोर में फोर पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर थ्री को ऐड कर लीजिए, तो भी आंसर आपका थ्री आना है। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे भी कीजिएगा तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए फोर और थ्री को अगर ऐड करेंगे क्या आएगा, सेवन, सेवन माइनस फोर क्या आ गया आंसर का थ्री। क्यों, सेवन एक पॉजिटिव नंबर है, फोर एक निगेटिव इंटीजर है, इन दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन के साथ है, मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो सेवन एक बड़ी नंबर है क्योंकि इसका सामने जो नंबर है पॉजिटिव है, इसका भी साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन अपन लगाते नहीं है, तो सेवन माइनस फोर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है 2 + 13 - 14 डिवाइडेड बाई 2 × 2। फिर से आप देखेंगे कि पहला काम क्या होता है, डिवीजन करना होता है। डिवीजन पे देखिए ये दो नंबर आपस में कैसी हो रहे हैं, आपस में कैसी हैं, डिवीजन हो रही है, डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 + 13, हमने क्या सीखा था, ये नंबर निगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, जो उनका डिवीजन आएगा, डिवीजन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो 2 में 14 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 7 = 14, तो माइनस का साइन आ जाएगा × 2। अब यहाँ पे कहीं आपको डिवीजन नहीं दिख रहा है लेकिन आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो 2 + 13, अब मल्टीप्लीकेशन भी कैसा, 2 पॉजिटिव है और 7 कैसा है, निगेटिव है। तो हमने क्या पढ़ा था, ये एक नंबर अगर निगेटिव है, एक नंबर अगर पॉजिटिव है, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। तो 2 × 7 क्या हो जाएगा, -14। फिर से अब यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस का साइन दिख रहा है, तो प्लस या माइनस आप पे, या तो पहले माइनस कर लीजिए तो प्लस कर लीजिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो 13 + 2 क्या हो जाएगा, 15, अब 15 - 14 क्या हो जाएगा, आंसर 1। समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, 7 + 7 / 7 - 7 × 7। फिर से पहला काम क्या होगा, डिवीजन। तो 7 और 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो 7 + 7 = 7, तो क्या आ जाएगा, 1। दोनों नंबर क्योंकि पॉजिटिव है, इसे साइन भी कैसा है उसका, पॉजिटिव है। फिर -7 × 7, अब ये जो नंबर है माइनस का 7 है और × पॉजिटिव 7 है, इसलिए इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, 7 7 = 49। अब 7 और 1 पॉजिटिव है, इनको आपस में ऐड कर लो, 8 - 49। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जब दो डिफरेंट डिफरेंट साइन होते हैं तो आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। 8 चूंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है और 49 के सामने निगेटिव साइन लगा, मतलब निगेटिव इंटीजर है, तो इसको कैसे समझेंगे कि इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कैसा होगा, क्योंकि 49 नंबर बड़ी है और 8 कैसा छोटा है, जैसे जो आंसर आएगा आंसर कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब 49 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 41, तो -41 आ जाएगा। अगले एग्जांपल को समझते हैं, 32 / 8 × 4 - 14 + 16। अब इन दो नंबर के बीच में डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 में 8 का डिवीजन करोगे तो 8 4 = 32 × 4 - 14 + 16। अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 16 - 14 + 16। अब 16 और 14 कैसा है, प्लस और माइनस, ये तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि दोनों पहले पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेते उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर देते, या तो आप पहले ये भी काम कर सकते हैं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव पहले आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
उसके बाद ऐड कर लीजिए, दोनों प्रोसेस से आंसर सेम ही आना है। 16 और 14 को सबट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 16 आ जाएगा 18। अगर यहाँ पे आप ऐसा करते कि पहले दोनों पॉजिटिव को ऐड करते तो 32 हो जाता, 32 माइनस 14, तब ये आंसर आपका 18 ही आता। मतलब बार बार मैं इसीलिए इसको बोलता जा रहा हूँ कि प्लस और माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसा समझ में आएगा कि ये आसान है करने में, अब उसको आसानी से पहले उसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट, 80 प्लस 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 माइनस 16। प्रोसेस वही, पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे और बाकी को एज इट इज कॉपी करेंगे, तो 2 2 जा 4 2 आ जाएगा प्लस 4 माइनस 16। अब इनटू वाले को सॉल्व करेंगे पहले, तो 80 प्लस 16 टू जा 32 प्लस 4 माइनस 16। अब देखिए ये सारे पॉजिटिव हैं, एक नंबर ये निगेटिव है, तो पहले सारे पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 116 माइनस 16, तो आंसर इज 100। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को एक बार दो बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये अभी हमने डी मास के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बोडा मास के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उसमें मैंने ब्रैकेट्स का रूल, ब्रैकेट्स रूल को कैसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अंत में चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कृपा कीजिए, ताकि हम इस वीडियो का फ़ायदा अन्य लोगों तक पहुँचे और हमारा जो मिशन है वो मिशन भी सक्सेसफुल हो सके। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वंदे मातरम।